तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एटमॉस्फेयर लाइट, जो कि ये कुछ ऐसी रहने वाली है। आप इसे देख सकते हैं, ये इसकी 4 स्ट्रिप्स हैं जिसमें 12-12 एलईडी बल्ब हैं। ये वायर और ये इसका जो भी इसका सीपीयू है, ये है, ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट में लगने वाला पॉइंट, और इसी के साथ में आपको ये इसका सेंसर मिलेगा, और इसके साथ रिमोट भी है जो कि मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं इकोस्पोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये इसकी मैं आपको प्लेसिंग दिखा दूँ, तो इसकी प्लेसिंग एक एलईडी की जैसे कि यहाँ पे नीचे साइड हम करेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और सेम एज इट इज यहाँ की एलईडी की प्लेस यहाँ पे होगी। और ये रखा है इसका रिमोट, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्राइटनेस अप डाउन इंक्रीज डिक्रीज ऑन ऑफ रेड ग्रीन ब्लू वाइट ऑरेंज येलो क्लेन पर्पल, और ये जंप 3 जंप 7 फिट 3 फिट 7, ये कुछ इसके मोड्स हैं। और ये साउंड जो आपकी गाड़ी में म्यूजिक प्ले हो रहा होगा उसके हिसाब से, जो आपने देखा होगा आजकल बार में डिस्कोस क्लब में जिस तरीके से बीट के साथ लाइट रिस्पॉन्स करती है, तो ये उसके लिए मोड्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पीछे की प्लेसिंग आपको दिखा दूं, तो पीछे की प्लेसिंग कुछ मैं पहले मैंने कुछ प्लेसिंग यहाँ पे सोची थी, पर यहाँ पे जो लोग बैठेंगे उनके पैर वगैरह लग सकते हैं, फिर इसलिए अब मैं उनकी प्लेसिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ नीचे इसके सेम एज इट इज इस साइड का भी मैं ऐसे ही नीचे प्लेसिंग करूँगा। और अब आपको देखना है कि किस तरफ से आप इसमें चार्जिंग पॉइंट देना चाहते हो, कि जैसे कि ये पीछे से भी है, पर पीछे तक बार बार ऑन ऑफ करना आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसका चार्जिंग पॉइंट आगे ही देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देने वाला हूँ, और यहीं से इसका प्लग एंड प्ले सिस्टम करूँगा, यहाँ पर इसका सेंसर छोड़ूंगा, और यहीं से मैं आगे का जिससे हम प्ले एंड प्ले कर सकें, तो यहीं से मैं ऐसे करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इंस्टॉलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ, अगर इंस्टॉलेशन के साथ में वीडियो बनाना पॉसिबल होता है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट लगाया है, और देखते हैं, तो ये जो इसकी आगे वाली वायर है वो वहाँ पर प्रॉपरली नहीं जा पा रही है लेंथ के चक्कर में, तो मुझे आगे वाले ही सॉकेट में इसे लगाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे वाले, लाइट फिक्स कर दी है, अब मैं आपको इसकी प्लेसिंग दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो लाइट थी उसकी, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये टेक्सचर डैशबोर्ड, ये पूरा ऑल द वे डाउन जाता है, तो उस पर ना तो कोई ग्लूगन स्टिक हो पा रही थी, ना कोई टेप स्टिक हो पा रहा था, इसलिए उसे मैंने साइड में फंसा दी है। अब आपको दिखनी नहीं होगी, मैं भी जला के दिखा दूंगा, और बाकी जो दूसरी साइड की थी वो तो मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको इसे एक बार जला के इसका दिन में रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका जो कनेक्टर है उसकी मैंने प्लेसिंग रखी है, जिससे आप यहाँ से प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और ये इसका सॉकेट है। तो मैं अभी इसका ये इसमें प्लग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इसका चार्जर उसमें फिक्स कर दिया है, और अब मैं इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ। तो ये कनेक्ट करके ये हमारी जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है, और ये अभी साउंड मोशन के साथ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये मैंने इसका मोड चेंज किया, ये आप इसका दिन में रिस्पांस चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने इसका रिस्पांस देख लिया है। मैं एक बार इसे रात में भी आपको जला के दिखा दूंगा, जिससे आपको नाइट का रिस्पांस भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप इसका रिस्पांस देख सकते हैं नाइट का, ये कुछ इस टाइप से जलती है ये पीछे का। और चलो अब इसके मोड्स देखते हैं। तो अब मैं देखता हूँ जंप, ये फेड। तो ये आप देख रहे हैं कि अपने आप इसके कलर चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे। और अब सेवन, ये अभी मैंने दबाया था फेड थ्री, अब मैं करूँगा फेड सेवन। ये इसका फीट सेवन है, इसका मतलब ये था फेट थ्री और फेट सेवन का कि पहले सिर्फ थ्री कलर चेंज हो रहे थे, अब पूरे सेवन के सेवन कलर चेंज होंगे। और ये तो आपने देख ही लिया था रेड, रेड में कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ग्रीन ग्रीन देख लीजिए, और ये अब मैंने किया ब्लू, ब्लू में कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो इसी तरह से आप इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इससे ज़्यादा कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी तो मैंने फुल करी है, फुल पे ये ऐसे ब्लिंक करती है, और अब मैं इसकी ब्राइटनेस कम करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस कम हो गई, ये इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। और अब ये ब्राइटनेस ये इसकी फुल हो गई है। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी एटमॉस्फेयर लाइट। तो अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इको स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहें।